थैंक यू सो मच कैफू कैफू फॉर बीइंग हियर। भाई साहब दिन कैसे चल रहे हैं वैसे आजकल आपके? आजकल तो घर पे ही हो गए बच्चों के साथ, क्या क्या सीख लिया नया? भाई नया तो बहुत कुछ सीखा है, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मैं तो याद है मुझे मुंबई में था मैं वो रोड सेफ्टी का टूर्नामेंट चल रहा था और वहाँ हमारे टीममेट से युवराज सिंह सहवाग सचिन पाजी कप्तान थे हमारे, बड़ा मजा आ रहा था मुंबई में मैचेस खेलने में। फिर वहीं से ये वायरस की खबर आई, महाराष्ट्र में पहला केस आया, उसके बाद फिर जब घर वो टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया, घर पहुंचे तो फिर जो 3-4 महीने घर में बंद हुए हैं वो निकलने का मौका नहीं मिला फिर तो। सही बात है। चल ऐसा करते हैं शुरू में चलते हैं जहां से आपकी जर्नी शुरू हुई। मोहम्मद कैफ द यंग बॉय यूपी में बड़ा भाई क्रिकेट खेलता था, अच्छी क्रिकेट खेलता था, जैसे सैफ वाज अ वेरी डिसेंट प्लेयर, तो इस वजह से खेलना शुरू किया था कि भाई खेलता है, फैमिली में क्रिकेट की हिस्ट्री है, या फिर मतलब क्रिकेट एक्चुअल में उस तरीके से शुरू हुआ था या किस तरीके से शुरू हुआ था? यार घर में जब बड़ा होने लगा तो वो मैंने वो बैट बल्ले लटके हुए थे वापस, वो हैंगिंग बॉल जो आजकल लोग सॉक्स में डाल के खेलते हैं वो मेरे नीचे वो लटकी हुई थी पहले से, मेरा भाई भाई मार उसके लगातार नॉकिंग करते थे वो लोग, और मोहल्ले के जो खेलने वाले हैं स्पोर्ट्स के लोग वो तो मेरा मोहल्ला ऐसा था कि वहाँ क्रिकेट रोड अगर घर के बाहर निकलो तो वो भीड़ लगी है, वहाँ पर वो मैच चल रहा है, टेनिस बॉल क्रिकेट चल रही है, बॉल नाली में जा रही है, नाली से निकाल के फिर धोया फिर स्टार्ट हो गए, तो ऐसा मोहल्ला था कि 24/7 वहाँ क्रिकेट तो होता था। ओके। और मेरे फादर भी खेले थे तो अपब्रिंगिंग ऐसी थी घर में कि यू नो एक पहले से ही माहौल मिल गया था खेल का। कभी ऐसा हुआ कैफू कि मतलब बड़ा भाई पहले खेलना शुरू करता है, बड़ा भाई फिर रणजी ट्रॉफी भी खेलता है, अच्छा नाम भी कमाता है, फिर लेकिन छोटा भाई आता है वो छोटा मतलब सुभान अल्लाह हो जाता है, तो वो इंडिया के लिए खेलता है और बहुत मतलब उनसे भी ज्यादा नाम कमाता है, सो वाज इट एवर ऑड कि यार छोटे भाई ने तो इतना सब कुछ किया, बड़े भाई ने किया अच्छा रिस्पेक्टेड क्रिकेटर, लेकिन इंडिया नहीं मिली उसको, तो क्या कुछ माहौल में कभी ऐसा हुआ कि यार थोड़ा सा रहता है कि खुशी होती है लेकिन उतनी कई बार नहीं होती कि यार बड़ा भाई रह गया? आकाश तुम्हें सही बात बताऊं, जो थोड़ा छोटा भाई होता है ना उसको थोड़ा चीजें लाइफ में कम मिलती है। अच्छा ओके। हर चीज में उसको ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है कि बड़े भाई की शर्ट जब छोटी होगी तब छोटे भाई को मिलेगी। करेक्ट। तो वो बंटवारा हमेशा लास्ट में थोड़ा टुकड़ा भाई को बाद में मिलता था, तो हर चीज चाहे साइकिल हो तो पुरानी होगी तो साइकिल बाद में कैफ यूज करेगा, बैट पुराना हो गया तो फिर कैफ को दे दो, तो वो थोड़ा सा ना बड़ा एक मेंटली बहुत यू नो मेंटली जो बड़ा स्ट्रांग बनना पड़ा बचपन से ही हर चीज फैमिली से लेके। फिर मैं हॉस्टल में गया, वहाँ सीनियर थोड़ा सा थे जो थोड़ा सा जुल्म भी करते थे, कुछ प्यार भी करते थे, कभी मुझे लगा कि यार मैं अच्छा हूँ मुझे मौका मिलना चाहिए, पर कोई मेरा टीममेट खेल गया 11 में, तो वो सब चीज़ें अप्स डाउन्स रही हैं लाइफ में शुरू से ही, तो वो शायद थोड़ा सा और फर्क पड़ता है कि आप जब कोई चीज़ मिलती नहीं तो आप क्या और मेहनत करना चाहते हो उस चीज़ को पाने के लिए। अच्छा ये हॉस्टल में रैगिंग होती है क्या? क्योंकि हॉस्टल तो हाँ अरे बहुत बहुत रैगिंग तुमसे क्या करवाया था? बहुत रैगिंग होती थी वो, अब कोई सीनियर है तो वो आपको अगर पसंद नहीं करते, मान लो मेरा नेचर था कि मैं थोड़ा शाही था, ज़्यादा गुड मॉर्निंग गुड नाइट थोड़ा कम करना, ज़्यादा मिलना जुलना कम, तो वो को लगता था यार ये थोड़ा सा घमंडी है, ये अपने आप को थोड़ा घमंडी है, थोड़ा अपने आप को खिलाड़ी समझता है, तो वो हमेशा कोई भी चीज़ हो तो कैफ रोलिंग करने जाओ, दोपहर के 1 बजे वो रोलिंग करने मैं जाता था, तो मेरे साथ और भी थे बदमाश लोग, ऐसा नहीं कि मैं अकेले, 2-3 लोग और थे जो उनके यू नो रडार में थे कि ये लड़के यंग है पर अपने आप को एक खलीफा समझते, यूपी में एक जबान होती खलीफा, तो वो मुझे कोई भी चीज़ हो तो वो कैफ, तो पहले 2 साल तो हम नेट पे ही थे आकाश, पहले 2 साल नेट पे खड़े थे, सिर्फ बॉल बॉय बन के बॉल उठा के पास करते थे और बैटिंग का इंतजार होता था कि यार कभी बैटिंग मिल जाए नेट पे, तो वो एक बहुत बड़ा दिन मनाया जाता था हम जैसे जूनियर प्लेयर्स के लिए, तो वो थोड़ा मुश्किलात के वक्त थे शुरू में फर्स्ट 2-3 ईयर्स। तो
तो क्या वो 2-3 साल वो थे जिसमें फील्डिंग पे बहुत मेहनत की, क्योंकि बैटिंग तो मिल नहीं रही और बॉलिंग तो आप उतनी करते नहीं थे, तो फिर करोगे क्या? बॉल ही तो उठानी है, फील्डिंग करनी है, तो क्या इस वजह से फील्डिंग पे इतना तवज्जो दिया कैफो? फील्डिंग उस वक्त नहीं है आकाश, उस वक्त तो सिर्फ फिटनेस पे ध्यान। फील्डिंग ऐसी थी कि एक बार जब मैं शुरुआत मैंने की हॉस्टल में, तो मैं कैच पकड़ने से डरता था ओके कि हाई कैच अगर मार दिया गया और मुझे पता ही नहीं कैसे पकड़ना, कभी चेहरे छाती पे लग जाए, कभी हाथ पे लग जाए, और जो मेरे सीनियर्स थे वो कंफर्टेबली कैच पकड़ लेते थे, तो बड़ा दबाव था क्योंकि आपसे बहुत अच्छे प्लेयर वहाँ ऑलरेडी हैं हॉस्टल में जो आपसे बेहतरीन फील्डिंग करते हैं। तो फील्डिंग मुझे शुरू में पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, कि बहुत एक पहले होता था कल्चर की कोचेज आके ना वो हाई कैच मारते थे, और जब तक वो, हाँ बहुत ऊंची, और जब तक वो 30 मीटर का रास्ता आपको तय ना करा दे, जब तक वो कैच आपको मिलता नहीं था, करेक्ट। तो वो बेसिकली इंड्योरेंस प्रैक्टिस होती थी, भाग के पकड़ो आप कैच, तो उसमें बहुत कमजोर थे, भाग नहीं पाते थे तेज, कैच पकड़ नहीं पाते थे, तो बड़ा दबाव था। पर मैं फिर मैंने ना ये फिटनेस से बहुत काम किया, वहां रूटीन था कि यार सुबह उठ के भागना है 40 मिनट, भागो, फिर थोड़ा सा स्प्रिंटिंग करो, फिर दोपहर में फिर ग्राउंड आ जाओ। तो हॉस्टल में क्या ना, ग्राउंड बिल्कुल सामने है, तो आप अगर अलग से प्रैक्टिस करनी है कि यार भाई आप सीनियर नहीं हो, आपको मौका कम मिलता है, तो आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो वहां मैंने भाग दौड़ बहुत करी, फिटनेस में रनिंग में बहुत ध्यान दिया, फिर बाद में फील्डिंग इंप्रूव हुई, ऐसा हुआ। वर्ल्ड कप कैफू, वहां से आपका मतलब प्रोमिनेंस में आए, और आप अकेले नहीं थे, आपके साथी भी थे। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप था, वो सन कौन सा था, 2000 2000 वर्ल्ड कप था, 2000, 2000 का वर्ल्ड कप था। तो जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो एहसास हो गया था कि गुरुजी अब तो बिल्कुल इंडिया का पासपोर्ट ऑलमोस्ट मिल चुका है, क्योंकि अच्छा भी गया था वर्ल्ड कप, और साथी भी चल रहे थे, भारत में चर्निंग भी हो रही थी नए क्रिकेटर्स के आने की, एकदम ऑलमोस्ट कगार पे खड़े थे हम, लग रहा था कि अब आ गए इंडिया। वो इंडियन टीम में थोड़ा सा ना वो ट्रांजिशनल फेज था, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया टूर के आ रही थी, और शायद अच्छा नहीं खेल के आई वहां से, तो वहां थोड़ा बदलाव सिलेक्टर करना चाह रहे थे, और हम लोग युवा थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो थोड़ा सा हाइप बन गई थी, मीडिया में काफी चल रहा था कि यार मोहम्मद कैफ पहला वर्ल्ड कप जीते, युवराज सिंह का नाम चल रहा था बहुत। तो फिर उसके बाद चैलेंजर ट्रॉफी हुई, हमारा नाम आया, हम मेरे मेरे शुरू के मैच में मैंने कुछ कुछ 90-90 बनाया 2 मैचेस में, तो वो फॉर्म लग गया, तो वहां से मौका मिल गया टेस्ट मैच में। ऐसा हुआ क्योंकि मतलब हम इंडिया, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा, वो तो बस वर्ल्ड कप जीते, माहौल बना और आ गया नाम। कि जब जब पलट के देखता है कैफू, तो कभी ऐसा लगता है कि यार जैसे अंडर 19 क्रिकेट से, जैसे आपने कहा बहुत जल्दी मिल गई, अगर मान लो ये 19 साल में 20 साल में ना मिलती, मान लो ये 23 साल में इंडिया मिलती, 24 साल में इंडिया मिलती, 4 साल फर्स्ट क्लास भी बहुत सारी खेल के आते, तो क्या कुछ कहानी अलग होती, या फिर यू आर रेडी एट दैट पॉइंट इन टाइम? क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स उतने रेडी होते नहीं है, 19 में मिल जाता है मौका, लेकिन तैयारी नहीं होती यार। नहीं, पर वो आप चाहे 5-6 साल भी खेल लें उससे फर्क पड़ता है, पर इंडिया लेवल का जो जो कंपटीशन है वो अलग है, जो वहाँ की बॉलिंग अटैक आप फेस करते हो, वहाँ के जो कैप्टन मिलते हैं आपको, तो वो आपको खेल खेल के सीखना होता है, वहाँ पहुंच के भी आप इम्प्रूव करना चाहते हो। जैसे हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल है, आप चाहे विराट कोहली की बात कर लो, रोहित शर्मा है, शिखर धवन, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, खेले रणजी बहुत साल, पर इंडिया आने में उनको थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ सबका। लो मेरी कॉफी भी आ गई। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। ये कॉफी विद करण नहीं है, ये कॉफी विद आकाश है। ये थैंक यू। तो हाँ तो खेल के अगर मैं वो डेब्यू 2000 में जो मेरा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हुआ था, जब मैं खेला तब लगा कि यार यहाँ की तो खेल, यहाँ तो खेल ही अलग है। तो डोमेस्टिक में मैं कानपुर में खेला, वो तो पैर निकाला और ऑन द राइज ड्राइव मार दिया, और जब आप जब जब टेस्ट खेलते हो तब लगता है कि यार आप किस स्तर पे पहुंचे हो अभी, फिर आप उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हो। मैं तो ड्रॉप भी हो गया था, तो ड्रॉप होना ब्लेसिंग है, डिस्गाइज होती कभी कभी, कि आपको थोड़ा जल्दी रोक लिया गया, फिर आप मौका 2 साल बाद मुझे मिला, तो वो मुझे तैयारी करने का मौका मिल गया, फिर मैं भारत की लगातार खिला ओडीआई में 2 साल के बाद जब मैं ड्रॉप हुआ था। सबसे बड़ी सीख क्या थी कैफू, क्योंकि वनडे करियर बहुत बढ़िया भी रहा, लंबा भी रहा,
टेस्ट क्रिकेट में अंदर बाहर काफी रहे, वहां एस्टैब्लिश हालांकि रन बनाए भी लेकिन एस्टैब्लिश होने का या तो मौका नहीं मिला या फिर खुद नहीं हो पाए। वनडे क्रिकेट, अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें, तो क्या सीख, सबसे बड़ी सीख क्या मिली वो जो लंबे सारे करियर में? नहीं, मैं तो आई फील वेरी प्राउड यार, नंबर 7 का जो रोल मुझे मिला था और वाइट बॉल, मैं नंबर 7, मैंने कभी बैटिंग करी नहीं। आप कोई भी बंदा जब रणजी खेलता है तो नंबर 7 को खेलना नहीं चाहता, सब चाहते हैं 3 नंबर 4 नंबर, थोड़ा नो 40 ओवर मिले, आराम से बैटिंग करो, 100 लगाओ, बड़े बड़े शतक लगाओ। भाई देखो, 7 नंबर पे अगर बैटिंग करोगे तो इंडिया के लिए सिलेक्शन ही नहीं होगा कभी, डिमांड भी थी, गांगुली कैप्टन बन गए थे और 7 नंबर पे नो एक चैलेंज था कि हमने वो काम मैंने कभी किया नहीं था। लोग नेटवेस्ट ट्रॉफी की बात करते हैं, वो मेरे लिए बहुत नया चीज थी। मतलब मैंने ऐसी इनिंग ना डोमेस्टिक में खेली ना क्लब क्रिकेट में खेली 7 नंबर जाके, वो बस बड़े वक्त में वो काम हो गया, वो अपना बिलीफ था, खेल पे बिलीफ था। तो 7 नंबर जो रोल अदा किया, मुझे बड़ी खुशी कि ना अब मैं जाके, एक चैलेंज था जिसको मैंने एक्सेप्ट किया और मैं मेरे पार्ट भी था ना, जैसे मैं 2004 पाकिस्तान गया, फिर मैं वर्ल्ड कप खेला, तो जो मेरा करियर रहा है वो नो मुझे अच्छे अच्छे मैचेस टूर्नामेंट खेलने को मिले। जब ये IPL आई T20, हम यू आर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फॉर राजस्थान रॉयल्स एक्चुअली, तो यही माना जा रहा था कि यार ये वनडे का बहुत जबरदस्त प्लेयर है, स्पेशलिस्ट प्लेयर है, T20 में भी मतलब आग लगा देगा। हालांकि T20 कैसा खेला जाए किसी को पता नहीं था, मतलब आइडिया नहीं था कैसे खेलना है, तो थोड़ी दिक्कत हुई थी ये शुरुआत में फॉर्मेट को समझने में कि यार ये क्या बला का नाम है, इसको खेलना कैसे है, इवन दो यू आर प्लेइंग 50 ओवर क्रिकेट विद अ लॉट ऑफ सक्सेस। नहीं, बहुत फर्क था, बहुत बहुत फर्क था। आप 20 ओवर की जो क्रिकेट थी, हमें तो सीरियसली शुरू में लिया ही नहीं आकाश, शुरू में तो लगा कि यार ये टाइम पास है, जाके बल्ला घुमाना, लग गए तो लग गए, आउट हुए तो आउट हुए, कोई इतना ब्लेम नहीं करने वाला। पर ऐसा था नहीं, जब आधे रास्ते पहुंचे, जब टूर्नामेंट के आधे रास्ते पहुंचे तो चीजें पूरी चेंज हो गई कि यार ये माहौल बिल्कुल, मीडिया या परिवार के लोग बात करने लगे, क्या फॉर्मेट है, लोग इंजॉय करने लगे, तो लगा कि नहीं यार इसको थोड़ा सा, पर तब तक थोड़ा देर हो गई थी, हमने आधा रास्ता तय कर लिया था। शुरू में इतना सीरियसली लिया नहीं, पर हम राजस्थान रॉयल की हमारी टीम जो जिस तरह हम खेले पहला साल, वो बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए। मैं इतनी स्ट्रांग टीम नहीं थी, सब नए नए प्लेयर खेल रहे थे, शेन वॉन कैप्टन थे, उन्होंने बड़ा अच्छा लीड किया टीम को, तो वो पहला साल था, तो पहला साल तो बहुत नो आदमी समझने में निकाल देता है कि यार क्या होने वाला है। सौरव गांगुली फैंटेस्टिक कैप्टन, उनके अंडर आप खेले, शेन वॉन, अब चूंकि आपने मेंशन ही कर दिया, शेन वॉन के पास ऐसा क्या था कि सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं, ये भी कहते हैं कि कैसा, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का लॉस है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी नहीं की, व्हाट डिड यू डू विद दैट टीम एक्चुअली, कि ये टीम कई बार होता है इकट्ठी हो जाती है, कप्तान को क्रेडिट मिल जाता है कि यार ये टीम इकट्ठी हो गई, चलो भाई ये कप्तान अच्छा था, कई बार कप्तान होता है वो टीम को इकट्ठा कर देता है यार, वो चिड़ियों से बाज को लड़ा देता है, व्हाट वाज शेन वॉन मतलब एज अ कैप्टन क्या कर रहे थे? शेन वॉन क्या है ना, उसको वो इंग्लैंड में ये T20 काफी खेला उन्होंने, ओके, वो आए तो उनको बड़ा एडवांटेज था कि जो और जो कैप्टन थे वो T20 का एक्सपीरियंस उनका बिल्कुल नहीं था, राइट। शेन वॉन ना इंग्लैंड UK में वो काफी खेल के आए थे, तो वो उसको बहुत फायदा हुआ शेन वॉन को, और ऑफकोर्स इंटरनेशनल प्लेयर है, बड़े प्लेयर, उनको पता है कैसे यूज करना चाहिए प्लेयर्स को, उसका हमें फायदा मिल गया कि एग्जैक्टली मालूम था कि कब किसको गेंदबाजी करानी है, कोई किसी का रोल सेट नहीं था, okay. पैड पहन के लाइन से बैठ जाओ, अगर जल्दी विकेट गिरेगा तो वो जाएगा, नहीं विकेट गिरा तो आपका रोल है, तो वो सब ना अब हो रहा है, जो चीज 2008 में कर चुके हैं शेन वॉन, वो अब टीमें अब पहुंची उस स्तर पे कि वो चीजें अब अप्लाई कर रही है हर टीम, तो वो उसको एडवांटेज मिल गया कि कब बॉलिंग चेंज करना है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि यार वो लास्ट के 4-5 ओवर में शेन वॉटसन को बॉल देता, बोलता है कि यार टेलेंडर को बाउंसर मारना है, जहां पांच विकेट जहां गिर गई और नंबर 7-8 के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, उसने मिड ऑफ ऊपर कर लेना है, 2 पॉइंट पीछे लगा देना है, 2 स्क्वायर लेग पीछे, और कहता है कि छाती के पास बॉल डालो। ये सब मैंने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि टेलेंडर बाउंसर खेलते ही नहीं कभी नेट पे,
तो ज्ञानी नहीं है, तो वो शेनवॉन ने उसका एडवांटेज लिया अपने एक्सपीरियंस का। That brings me to the point कि Delhi Daredevils मतलब ऐसा हो गया था कि दिल्ली दूरस्थ, शुरू के 2-3 साल अच्छे थे, उसके बाद तो फिर भैया टीम ना मतलब आसपास नहीं पहुंचती थी। पर तुम लोगों ने चेंज किया यार, लास्ट ईयर यू वर विद द टीम, टीम ने क्वालिफाई किया, ऑलमोस्ट फाइनल तक पहुंच गए एक यंग टीम के साथ। कैफू क्या किया था भाई टीम के साथ तुम लोगों ने यार? नहीं कुछ नहीं किया, मैं तो इस आकाश बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि एक बंदा आया कोच और पूरी टीम चेंज कर दिया, ऐसा कभी होता नहीं। ना राइट मोहम्मद कैफ ने चेंज करी है, ना सौरव गांगुली ने करी है, ना रिकी पॉन्टिंग ने करी है। राइट हाँ ये कि टीम मैंने में आपको चेंज नहीं कर सकते आकाश, आप हाँ एक एटमोसफियर क्रिएट कर सकते हो, एक प्लेयर में बिलीफ ला सकते हो कि भाई अपना गेम खेलो, आपके पीछे लगे हैं, ये मुश्किल फॉर्मेट है, आप आउट हो गए, दिन खराब जाएगा, कैच छूटेंगे, पर आगे देखना है। वो छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने करी, बस बहुत छोटी मीटिंग करी, नेट्स पे काफी बात कर रहे करी, और हमारे पास प्लेयर्स भी थे जो जो हम किसी एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं थे आकाश, राइट कि रश अय्यर ही मैच जिताएगा या ऋषभ पंत मारेगा, ऐसा नहीं है। ऋषभ पंत ने ही मारा, कीमो पॉल ने भी एक मैच दो मैच जिताए, ईशांत शर्मा हमारे लिए बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर गए, रबाडा अच्छे फॉर्म में थे, तो ये बैलेंस एक्ट हो गया हर कोचेस का भी और प्लेयर को मिला के। कैसे क्या रेट करते हो आप, क्योंकि आपने बहुत पास से देखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं एक्स फैक्टर है, मतलब मैं भी शायद उनमें से एक हूं कि लड़का बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन जब वो आईपीएल के लिए खेलता है लड़का, उसको पता होता है 14 मैच पूरे खेलूंगा, सारे मैच खेलूंगा, इंपॉर्टेंट रोल है। और जब आईपीएल में खेलता है तो अलग तरीके से खेलता है, कॉन्फिडेंस से खेलता है, मैच खत्म करता है, गलतियां कम करता है। पर जब वो इंडिया के लिए खेलता है तो वो गलतियां कई बार लगता है ज्यादा हो रही है, उतना कॉन्फिडेंस शायद नहीं है, या फिर जल्दबाजी आ जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस, आपने बहुत पास से देखा है। ऋषभ पंत का तो ऐसे प्लेयर है कि वो फ्री फ्लोइंग प्लेयर हैं, और उनका नंबर आपने अगर सेट कर दिया ठीक से कि यार ये नंबर पे आप बैटिंग करोगे, इतने ओवर मिलने वाले हैं, जिनका अगर आपने माइंड क्लियर कर दिया जहां कोई डाउट नहीं है कि भाई मुझे सिंगल लेना है रोकना है, उनका वो अटैकिंग बल्लेबाज है, उनको अटैकिंग ही शॉट मारना चाहिए पहले बॉल से। राइट तो हमने लोगों ने ये डिसाइड किया कि कई बार हम पॉन्टिंग हमारे में या दादा में बात हुई थी कि यार नंबर 3 भेजो 4 भेजो, पर हम लोग का मानना था कि बाद में हमने डिसाइड किया कि लास्ट के 10 ओवर पंत को बैटिंग करनी है, 60 बॉलें उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो नंबर 3 जाए चाहे 5 जाए, वो विकेट से मतलब नहीं है, ओवर डिसाइड कर लो आप। वो काम इंडियन टीम में भी ठीक से नहीं हो पाया, उसको कभी 50 ओवर के मैच में 15 ओवर में बैटिंग कर रहा है, तो जो जो फिनिशर है जो अटैकिंग बल्लेबाज है उसका वैसे ही रोल देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पंत के साथ थोड़ा सा इंडियन टीम में उसका स्लॉट ठीक से अभी पकड़ नहीं पाए, पर आईपीएल में हमने पकड़ लिया है कि उसको लास्ट के 10 ओवर ही बैटिंग करानी है, और वो बड़ा अच्छा खेले वो आईपीएल में, क्योंकि वो फ्री खेलते हैं, अपना अपना गेम खेलते हैं, लगातार अच्छा खेलता है। और मैं तो कह रहा हूँ कीपिंग भी आईपीएल में जब आप देखते हैं तो बड़ी इंप्रूव कीपिंग भी नजर आती है, बहुत कॉन्फिडेंट लगता है कि ना मतलब जैसे सारी चीजें ठीक है। लेकिन जब आईपीएल शुरू हो रही थी कैफू, तो वर्ल्ड कप स्क्वाड भी मेरे ख्याल से आईपीएल के बीच में शायद पिक हुआ होगा, और उससे पहले भी उनको ड्रॉप अंदर बाहर बहुत बार कर दिया था, तो क्या कॉन्फिडेंस लो था कि यार आईपीएल बहुत जरूरी है, नहीं तो वर्ल्ड कप नहीं होगा, और वर्ल्ड कप सिलेक्शन नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसा कुछ था जब शुरू हुई का आईपीएल? तो मुश्किल था ये करना, क्योंकि यही तो काम होता है ना कोचेस का, मेंटोर्स का, सीनियर्स का, कि भैया अच्छे माइंड फ्रेम में प्लेयर को लेकर आओ। बिल्कुल, उनका नाम नहीं आया था, थोड़ा लो थे वो, काफी थोड़ा इमोशनल इंसान है, जल्दी फील कर लेते हैं कि मेरा नाम नहीं आया, पर तो वो चीज पकड़नी होती है। हम लोगों ने काफी उनसे बात की कि यार ये तो अभी आप तो यंग हो, 20-21 साल में तो अभी बंदा शुरुआत करता है खेल की, आप ऑलरेडी इतना नाम हो गया है, इतना आपने मैचेस जिता चुके हो, तो वो हम किसी को हमें किसी को उसके ऊपर डाउट नहीं था कि यार ये बड़ा प्लेयर नहीं है या अच्छा नहीं खेलेगा, हमने हमेशा बोला कि यार तुम अच्छे प्लेयर हो, ठीक है नाम नहीं आया, पर अपना काम करते रहो, अपना स्कोर करते रहो, मैच जिताते रहो, जो आप हर साल करते आ रहे हो, तो वो मेंटली थोड़ा सा हमने उससे बात करी, पर वो है तो क्लास प्लेयर, कोई डाउट नहीं है, ऐसे ऐसे प्लेयर मिलते नहीं है, मतलब ऐसे वो टैलेंट है, बस थोड़ा सा उसका इस्तेमाल अच्छा हो जाए, और बहुत युवा भी है आकाश, अभी 21 साल में वो 1-2-3 साल ना वो जर्नी तय करेंगे और बेहतर प्लेयर बन जाएंगे। श्रेयस अय्यर, ऐसा लगता है जब मैं श्रेयस अय्यर को देखता हूँ ना कैफू, की दिल्ली का रोल उसमें बहुत बड़ा रहा है, कि अच्छे तरीके से जिस तरीके से खेले हैं, दिल्ली कैपिटल्स में कप्तान बनाया, उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी,
अब बैटिंग कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो ये लास्ट ईयर आई थिंक वाज अ वेरी क्रूशियल ईयर बतौर कप्तान भी, क्योंकि उससे पहले लग रहा था कप्तानी भी शायद थोड़ी बाहर से ज्यादा होती थी, अंदर कम होती थी, पर लास्ट ईयर आपने उनको बहुत एम्पावर किया। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ श्रेयस अय्यर का, बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि एक तो डोमेस्टिक से निकल के आए, बहुत साल खेले, उनको मौका इतनी जल्दी मिला नहीं भारत के लिए, आईपीएल कई साल खेले, बहुत रन मारे, तब जाके उनका नाम आया, और बहुत सही टाइम पे नाम आया कि वो बिल्कुल ना वो हंगरी है, वो तैयार है कि यार मुझे खिलाओ, बस मैं डोमेस्टिक से बोर हो गया हूँ, मुझे इंडिया खेलना है, ऐसा प्लेयर है वो तो। और बहुत सॉर्टेड है मेंटली, बहुत सॉर्टेड, यू नो अपने गेम के बारे में मालूम है उसको, रोल के बारे में मालूम है, ज़्यादा गुस्से वाले नहीं है, बहुत हर चीज़ नो आराम से बात करते हैं, सोच के बोलते हैं हर चीज़, और कप्तानी जो करते हैं आईपीएल में उनको उनको नो उनको बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हो। तो वो कप्तान जब से बने और बेहतर प्लेयर बन गए, और फिर इंडिया के लिए खेल रहे हैं नंबर चार, उनसे अच्छा प्लेयर इंडिया को मिल नहीं पाएगा इस वक्त पे। ये मतलब कह सकते हैं, वैसे एक अगर एक और मुंबई कर थे जो पहले हैदराबाद में खेलते थे, फिर वो मुंबई आए, जब से कप्तान बने वो एक्चुअली क्रिकेट में बहुत मेच्योरिटी अलग से आई। श्रेयस अय्यर के लिए कह सकते हैं कि ये बात एक्चुअली सही हो रही है, बिल्कुल उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और नंबर चार पे थोड़े से और मौके मिलते रहने चाहिए। नहीं, कप्तानी का बहुत बहुत फर्क पड़ा, वो तो आपको मैं अविश्वास नहीं करोगे, कई बार ऐसी मीटिंग करी हम लोगों ने जहाँ कप्तान हमारे पास थे नहीं, हमने मीटिंग कर ली, कप्तान हमको हमने उनको बुलाया नहीं बीच में, क्योंकि उनको इतना पसंद भी नहीं है बात करना। वो अपने गेम के बारे में पता है, थोड़ा बहुत वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। तो हमने भी समझ लिया कि यार ये कैप्टन ऐसा है जो ज़्यादा नो उसको बैठा के 2 घंटे लेक्चर देने वाली, इसके साथ काम नहीं करना हमें, राइट। तो वो हम लोगों ने फिगर आउट किया कि यार थोड़ा सा इसको फ्रीडम देंगे, इसको खेल पे फोकस करने देंगे, जितना लोड हम लोग ले सकें वो बाहर से हम लेंगे, जितना इन्फॉर्मेशन श्रेयस अय्यर को चाहिए वो हमसे लेगा। तो वो उनको बड़ा फायदा हो रहा है कि वो क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, वो आप कप्तानी करते हो तो फिर आप अपना नहीं, आप टीम को लेके चलना होता है, तो वो शायद वो यूज टू नहीं थे, पर ये आईपीएल में उन्होंने अपने आप को ना थोड़ा सा कंफर्ट जोन में बाहर लेके आए, और प्लेयर के साथ साथ बेहतर कप्तान बन रहे हैं, उनको बड़ा फायदा होगा फ्यूचर में इस चीज का। ईशांत शर्मा था T20 बॉलर, मतलब एक टाइम था जब सबसे महंगे थे कोलकाता में, तब तो मैं भी खेला था, तब हमारे सबसे महंगे बॉलर थे, फिर गायब हो गए यार बीच में, नो बॉल्स हो रही थी, वो लिमिटेड ओवर्स में कोई खरीदता ही नहीं था, आप लोगों ने बेस प्राइस पे उनको उठाया और क्या परफॉर्मेंस दिया है, तो मतलब व्हाट चेंज्ड इन ईशांत शर्मा, टेस्ट बॉलर भी ऑब्वियसली एक ग्राफ जो ऊपर की तरफ जा रहा है, T20 जो सबने रूल आउट कर दिया था, अब वो ग्राफ भी एक्चुअली बड़ा अच्छा काम आपके लिए उन्होंने किया लास्ट ईयर, क्या चेंज हुआ? मेरा से तजुर्बा फॉर्म लेके आ रहे थे, वो लगातार बॉलिंग कर रहे थे टेस्ट मैच में, लगातार खेल रहे थे, और एक्सपीरियंस, तो हमने ये डिसाइड किया कि कोई प्लेयर को रूल आउट नहीं करना है, सबको आप नो आप देखते रहो प्लेयर कैसा खेल रहा है, क्या फॉर्म में कमबैक कर रहा है, फिर आप ऑक्शन में ले सकते हो, ऐसा नहीं कि एक साल खराब हुआ तो उसको हमने यू नो क्रॉस टिक लगा दिए कभी लेंगे नहीं, जो बहुत टीमों ने पहले किया है, राइट। तो हम लोग का यही प्लानिंग है कि बंदा कोई अगर डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहा है, अगर इंडिया के लिए अच्छा खेल रहा है और फॉर्म में है तो उसको जरूर खेलना चाहिए, और वही ईशान के साथ हुआ, वो बहुत बेहतरीन फॉर्म में थे, हमने बस ये चेक किया था कि ये इन्होंने 9 बॉल कितनी डाली है, राइट, पूरे सीजन, और वो बहुत ही मतलब 0% पे थी, तो हमने कहा इनको और लेना है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो हमारे पास नहीं था। आकाश, जब ये ट्रेंड बोल को जाने दिया और उसके बाद जब ऑक्शन खत्म हुई, जब सब कुछ ट्रेंड बोल को भी छोड़ा, क्रिस मॉरिस को भी छोड़ा, ये मेरा आखिरी सवाल है एक्चुअली, जब क्रिस मॉरिस को भी छोड़ दिया, ट्रेंड बोल को भी छोड़ दिया, फिर जब ऑक्शन खत्म हुई, तो वेन यू लुक बैक एट इट, आर यू हैप्पी कि जो आपकी रिसोर्सेज आपके पास अब आई हैं कुल मिला के, जितना आप कई प्लेयर्स के पीछे भागे लेकिन फिर वो महंगे हो गए, नहीं मिले, आर यू हैप्पी विद व्हाट यू गॉट? हम जो प्लेयर्स के पीछे भागे हमें मालूम था कि नहीं मिलने वाले, ओके क्योंकि हमें मालूम था कि उसको उनके लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे पर नहीं, बहुत बहुत खुशी है कि जिस तरह से हमने प्लेयर्स को नो अश्विन आ गए हमारे टीम में, रहाणे आ गए हैं हमारे टीम में, नो पिछले साल से बहुत स्ट्रांग टीम बन गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर, जब हम 11 के अलावा 12वां 13वां 14वां प्लेयर लास्ट ईयर हम ढूंढ रहे थे तो हमें मिला नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि चेंज करते हैं पर जो स्क्वाड में प्लेयर थे वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे आकाश, राइट, तो कई बार हम चेंज भी नहीं कर पाए चाहते हुए भी, पर इस बार ऑप्शन रहेगा कि ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जिनको
शायद दिक्कत उल्टी आ सकती है कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स बेंच में बैठे हों और उनको हमें लुक आफ्टर करना, वो भी आसान काम नहीं होता, पर अच्छा है कि अच्छे प्लेयर अपने पास हैं, कोई इंजर्ड हुआ, कोई आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो आपके पास रिप्लेसमेंट रेडी है। डिसगाइज होगी क्योंकि अगर आईपीएल समय पे शुरू होता तो कगिसो रबाटा मिलता नहीं आपको, फिर फंस जाते आप। अच्छा हाँ, इंजर्ड थे ना उस समय, कह रहे थे आप फर्स्ट हाफ खेलेंगे नहीं, वो लेट आते, बहुत लेट आते, बहुत लेट आते, नुकसान हो जाता। चलो अब तो देखते हैं जब होता है। थैंक यू सो मच कैपू, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, और उम्मीद यही है कोचिंग के रोल में, कमेंट्री के रोल में, मैं तो खैर मजा ही बड़ा आता है, पास पास होते हो तो होपफुली यू विल बी फाइन, विश यू वेल ब्रदर। थैंक यू, नहीं बहुत मजा आया, थैंक यू आकाश।